Let's call it in the crossfire. What is up guys, welcome back to the channel India Sonic. आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की कार जिनमें वो ट्रैवल करते हैं। श्री नरेंद्र मोदी इंडिया के 14th प्राइम मिनिस्टर हैं और वर्ल्ड के मोस्ट पावरफुल लोगों की लिस्ट में आते हैं। ये कई बार लग्जरी कार्स में ट्रैवल करते हुए दिखते हैं जिनकी आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए अब हम लिस्ट शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे महेंद्र स्कॉर्पियो। नरेंद्र मोदी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे और उस टाइम पर वो महेंद्र की स्कॉर्पियो में ट्रैवल करते थे। इस कार की प्राइस 16 लाख इंडियन रुपीस है। आनंद महेंद्र ने खुद पीएम से रिक्वेस्ट की थी मेड इन इंडिया प्रोडक्ट को चूज करने के लिए, पर जब से ये प्राइम मिनिस्टर बने हैं स्कॉर्पियो में ट्रैवल नहीं करते सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। दूसरे नंबर पे है टाटा सफारी। अब महिंद्र लिस्ट में मौजूद है तो टाटा भी जरूर होना ही चाहिए, पर यह कोई मामूली टाटा सफारी नहीं है। श्री नरेंद्र मोदी टाटा सफारी का आर्मर्ड वर्जन यूज करते हैं जो बुलेट प्रूफ है। इसका ग्लास AK-47 गन के बुलेट्स तक को रोक सकता है और अंडरबॉडी प्रोटेक्शन ग्रेनेड से भी बचा सकता है। इसमें गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी को भी अपग्रेड किया जाता है, जहां पर बॉडी फ्रेम में हाई डेंसिटी स्टील का यूज होता है। टायर्स भी इसमें रन फ्लैट मिल जाते हैं, जिसमें अगर गोली लगने पर पंचर या फट जाता है टायर तो भी इसे 50 किलोमीटर तक चलाया जा सकता है मैक्सिमम 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर। इस कार की प्राइस 60-70 लाख इंडियन रुपीस है। नंबर 3 पर हम देखेंगे BMW 760 Li हाई सिक्योरिटी। अब प्राइम मिनिस्टर खुद अपनी कार्स नहीं चूज करते, बल्कि SPG यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप्स डिसाइड करती है कि कौन सी कार सही रहेगी देश के सबसे पावरफुल लोगों के लिए। तो स्कॉर्पियो और सफारी को डिस्कार्ड करने के बाद SPG ने BMW की 760 Li हाई सिक्योरिटी सिलेक्ट की प्राइम मिनिस्टर के लिए। ये कार नॉर्मल 7 सीरीज का आर्मर्ड वर्जन है, जो कि टाटा सफारी से कई गुना पावरफुल है। इसमें ऑक्सीजन टैंक मिलता है जो गैस अटैक के समय काम आ सकता है, और इसमें भी रन फ्लैट टायर्स मिल जाते हैं और सेल्फ सीलिंग फ्यूल टैंक जो एक्सप्लोड नहीं हो सकता। कार के विंडोज 6 सेंटीमीटर थिक हैं, जो AK-47 की बुलेट्स को आसानी से रोक सकते हैं। ग्रेनेड प्रोटेक्शन भी मिलता है कार में। नॉर्मल BMW 7 सीरीज की प्राइस 1.6 करोड़ इंडियन रुपीस के आसपास है, पर इस आर्मर्ड वर्जन की प्राइस 9 करोड़ से भी ऊपर जा सकती है। इस कार को ड्राइव करने के लिए स्पेशल टेक्निक सीखने की जरूरत होती है, जो इमरजेंसी में काम आ सकती है। यूजुअली 2 सेम कार्स यूज होती हैं कॉन्वॉय में, जो SPG सेलेक्ट करती है। एक में प्राइम मिनिस्टर ट्रैवल करते हैं और एक डिकॉय व्हीकल जैसे यूज होती है। नंबर 4 पर है लैंड रोवर रेंज रोवर स्पोर्ट HSE। ये भी आर्मर्ड कार है जो श्री नरेंद्र मोदी इस्तेमाल करते हैं। इसमें भी पिछली कार जैसे ही सारे फीचर्स मिल जाते हैं जो अटैक के टाइम यूज किए जा सकते हैं। बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉडी और ग्लास रहता है इनमें, और ये गाड़ियाँ सिर्फ कस्टम ऑर्डर से ही बनवाई जा सकती हैं। इसकी प्राइस 8-10 करोड़ इंडियन रुपीस के बीच में है, डिपेंडिंग आप इसे कैसे कस्टमाइज करते हैं। नंबर 5 पर है टोयोटा की लैंड क्रूजर। ये भी दूसरी कार जैसे ही बुलेट प्रूफ और बॉम्ब प्रूफ है। इसकी प्राइस 6 करोड़ इंडियन रुपीस के आसपास है, जबकि नॉर्मल लैंड क्रूजर 1.5 करोड़ में मिल जाती है। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर की कॉन्वॉय में आप कई दूसरी लग्जरी कार्स देख सकते हैं, जैसे 5-6 BMW X5, 4-5 रेंज रोवर, 2-3 लैंड क्रूजर, 7-8 टोयोटा फॉर्च्यूनर्स और थोड़ी बहुत टाटा सफारीज और महेंद्र स्कॉर्पियो।
अब आखिर में हम देखेंगे लैंड रोवर की रेंज रोवर सेंटिनल जो प्राइम मिनिस्टर करंटली यूज करते हैं। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पावरफुल कार है जो बढ़िया ऑफ रोड कैपेबिलिटीज के साथ आती है। इस गाड़ी का ग्लास पिछली कार से भी ज़्यादा सुरक्षित है और इसमें आप विंडोज़ को खोल भी नहीं सकते पैसेंजर्स की सेफ्टी के लिए। सिर्फ ड्राइवर साइड विंडो ओपन होती है, वो भी 15 सेंटीमीटर। रूफ और अंडरबॉडी में ग्रेनेड प्रोटेक्शन मिल जाता है गाड़ी में। इसमें इमरजेंसी एस्केप और स्मोक स्क्रीन का सिस्टम भी अवेलेबल है, जिससे आप स्मोक के बीच में छुपकर भाग भी सकते हैं। ये सारी चीज़ें और बहुत सारे दूसरे सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं इसमें, जो सिक्योरिटी रीजंस के वजह से डिस्क्लोज नहीं किए जाते। इस कार की प्राइस 12 से 15 करोड़ इंडियन रुपीज़ के बीच हो सकती है, जो डिपेंड करता है कि आप इसे कैसे कस्टमाइज करना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको इस लिस्ट में से सबसे ज़्यादा कौन सी कार पसंद आई। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, जैसे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ मैं काफ़ी सारा कंटेंट पोस्ट करता हूँ जो यूट्यूब पर नहीं कर पाता। उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में।